कल सैमसंग ने लॉन्च कर दिया सैमसंग गैलेक्सी J8 इन्फिनिटी इंडिया में, और ये J6 का बड़े भैया बोल सकते हो इन टर्म्स ऑफ द प्राइस। ये आपका प्राइस पड़ेगा 18,990 रुपये, और ये आपका एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों वेबसाइट में। उसके साथ साथ आप लोकल स्टोर और सैमसंग मॉल में भी आपको ये डिवाइस मिल जाएगा। तो अगर आपको खरीदना है ये वाला डिवाइस तो मैंने बेस्ट बाइंग डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो उसको इस्तेमाल करके आप इसको खरीद सकते हैं। बॉक्स का पैकेजिंग कुछ इस प्रकार से, जैसे आप देख पा रहे हो सामने लिखा है सैमसंग गैलेक्सी J8 इन्फिनिटी, और ऊपर यहाँ पर आपका लिखा है 64GB वेरिएंट है। पीछे अगर देखा जाए यहाँ पर आपको मिल जाता है कुछ की स्पेसिफिकेशन जिसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ। और ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको इंडियन सिम डालना ज़रूरी है। प्राइसिंग के बारे में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो नए से नहीं बता रहा हूँ। जल्दी से बॉक्स को करते ओपन, आपको दिखाते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है और डिवाइस देखने में कैसा है। तो बॉक्स खोलने के बाद सबसे पहले आपको मिलता है तो डिवाइस एक्सेप्ट, तो उसको रखते हैं साइड में और बाकी देखते हैं आपको क्या क्या मिलता है। उसके बाद आपको मिलता है कुछ वारंटी इन्फॉर्मेशन गाइड और कुछ डॉक्यूमेंटेशन, अलग अलग यूजर मैनुअल, और उसके बाद आपको मिलता है सार वैल्यू। तो अगर आपको सार वैल्यू के बारे में जानना है तो यहाँ पर ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको मिलता है एक डेटा केबल, सिंपल स्टाइल का डेटा केबल है, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। आपको मिलता है एक चार्जर, अगर रेटिंग देखा जाए इस चार्जर का, विच इज़ 5 वोल्ट 1.55 एम जो जनरली सैमसंग देता है। और उसके बाद आपको मिलता है ईयरफोन्स, काफ़ी पुराना साइज का प्लास्टिक ईयरफोन्स है, नथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट इट। और उसके बाद आपको मिलता है फाइनली एक सिम एजेक्टर पिन। तो जल्दी से आपको दिखाते हैं डिवाइस देखने में कैसा है। अगर सामने से देखा जाए इस डिवाइस में आपको मिलता है 6 इंच का एक HD+ डिस्प्ले विथ 18:9 एस्पेक्ट रेशियो। यहाँ पर आपको मिलता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले। डिस्प्ले के एकदम ऊपर आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल प्रोसेसिंग कैमरा विथ अ फ्लैश एंड कपल ऑफ सेंसर्स और मेन ईयरपीस। और डिस्प्ले के एकदम नीचे आपको मिलता है ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन। बॉटम में आपको मिलता है USB पोर्ट, 3.5 mm हेडफोन जैक और मेन माइक्रोफोन फॉर कॉलिंग पर्पस। राइट साइड में आपको मिलता है स्पीकर ग्रिल्स, और उसके साथ आपको मिलता है पावर लॉक एंड अनलॉक बटन। लेफ्ट साइड अगर देखा जाए यहाँ पर आपको मिलता है वॉल्यूम रॉकर्स, और उसके नीचे आपको मिलता है दो सिम से, एक में आप सिम वन, दूसरे में सिम टू, और डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं, जो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी बात है। डिवाइस के पीछे आपको मिलता है डुअल रियर कैमरा विच इज 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल डुअल रियर कैमरा। उसके साथ आपको मिलता है एक सिंगल LED फ्लैश एंड उसके नीचे मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर। अगर इंटरनल देखा जाए डिवाइस आपका चल रहा है 1.8 GHz ऑक्टाकोर प्रोसेसर पे, जो है आपका स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर, 14 NM प्रोसेसर है विद एड्रीनो 506 GPU। उसके साथ आपको मिलता है एंड्रॉयड ओरियो 8.0 आउट ऑफ द बॉक्स एंड सैमसंग एक्सपीरियंस UI 9.0। तो जैसे आप देख पा रहे हो डिवाइस आपका बूटअप हो गया कुछ इस प्रकार से देखने में है, तो जैसे नॉर्मली सैमसंग डिवाइसेस में आपको मिलता है। सो लेट मी गो टू द सेटिंग्स एंड लेट मी शो यू। तो यहाँ पर जैसे सभी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन देखा जाए, डिवाइस आपका चल रहा है एंड्रॉयड ओरियो 8.0.0 मतलब 8.0 में आपका चल रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिलता है सैमसंग एक्सपीरियंस UI 9.0 का अपडेट। तो इंटरनली आपको मिलता है 64GB का स्टोरेज एंड आउट ऑफ 64GB यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 50.7GB फ्री फॉर यूसेज। और अगर रैम देखा जाए 4GB रैम के अंदर आपको लगभग 1.9GB रैम फ्री मिल जाएगा फर्स्ट बूटअप के बाद, तो लगभग 2GB के आसपास आपको फ्री रैम मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। यूजर इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने में काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर मैक्सिमम आपका इनबिल्ट एप्लीकेशन तो ज़्यादा कुछ गड़बड़ नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ अगर कोई भी एप्लीकेशन मैं अनइंस्टॉल करना चाहूँ तो अगर आप जो भी एप्लीकेशन आपको नहीं चाहिए, जो आपको लगता है ब्लोडवेयर है आपको ज़रूरत नहीं है, तो वो आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि एक दो माइनर एप्लीकेशन हैं, तो गुड थिंग इज दैट अगर आप चाहें तो वो सभी एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल कर पाएंगे, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। तो ज़्यादा कुछ ब्लोडवेयर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट का कुछ एप्लीकेशन मैं देखता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन नहीं आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, वो सब आपको डिसेबल करना पड़ेगा। तो जो है कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर आपको मिलता है आपके फिंगरप्रिंट स्कैनर कैमरा के एकदम नीचे, तो लगभग आपका सेम ही लेवल में, थोड़ा सा जस्ट नीचे है। तो मैं दिखाता हूँ आपको एग्जैक्टली कितना अच्छे से ये अनलॉक करता है। जी हाँ, ये अनलॉक तो काफ़ी आराम से कर देता है, कोई भी दिक्कत नहीं। जैसे सैमसंग का बाकी लॉक होता है एकदम फास्ट नहीं है, एकदम स्लो नहीं है, तो एवरेज काइंड ऑफ आपको परफॉर्मेंस मिलेगा इन टर्म्स ऑफ फिंगरप्रिंट स्कैनर कंसर्न, बट काफ़ी एक्यूरेट है। लेकिन बिना देखे हो सकता है आपको कभी कभार ना मिले, क्योंकि ये दोनों एकदम सेम लेवल में है। बाकी अगर कंस्ट्रक्शन देखा जाए, कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से है, ये टोटली प्लास्टिक से बना है, नहीं मेटल से बना नहीं है। तो मैं इनिशियली सोच रहा था मेटल से, लेकिन साइड वाला जो पोर्शन है ये भी आपका प्लास्टिक से बना है, और प्लास्टिक का क्वालिटी आपका देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। पीछे का थोड़ा पतला है, लेकिन साइड का जो प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। 2.5D कर्व ग्लास आपको मिलता है, उसके साथ साथ साइड थोड़ा उठा हुआ है ये वाला जगह, और डिस्प्ले आपको मिलता है विच इज 6 इंच, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलता है। नीचे से ऊपर स्वाइप करेंगे तो आपको पे मिनी मिल जाता है, मतलब यहाँ पर आपको NFC नहीं मिलता, तो पे मिनी मिलता है। तो कुछ इस प्रकार से